सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं ने घोरावल के उंभा गांव में हुए गोलीकांड के विरोध में न्याय यात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। रावट संगज में सपा कार्यालय से लेकर तहसील परिसर तक न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कई बार उनसे पुलिस से धक्का मुक्की हुई और झड़प भी हुई। सोनभद्र के उंभा गांव में भूमि विवाद में हुए नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे सपा प्रतिमंडल को रोके जाने के विरोध और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस से जांच कराने सहित कई मांगों को लेकर सपाइयों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कई जगह सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की और पुलिस ने कई जगह पर उन्हें रोका भी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि सभी पीड़ितों को 20 लाख का मुआवजा और जमीन देने की मांग की। सपाइयों की मांग है कि उमा गांव के हुए नरसंहार की जांच हाईकोर्ट में पदस्थ किसी आदिवासी जज से कराई जाए, जांच टीम में आदिवासी समाज से आने वाले अफसरों को भी जगह दी जाए और इस केस का ट्रायल गैर भाजपा शासित राज्य में कराया जाए। इसके अलावा यूपी सरकार विशेष आदेश जारी कर उन जमीनों पर मालिकाना हक के लिए मारे गए परिवारों या पीड़ित आदिवासी परिवारों व उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कराए। सपा ने उंभा प्रकरण में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान पर नाराजगी जताने के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा व उनके सहयोग अफसरों को बरखास्त करने की मांग की। ये उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार निश्चित रूप से आज के डेट में गुंडई पे आमादा है। आज अच्छे और भले इंसानों के साथ बदसलूकी हो रही है। जहाँ तक हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उत्तर प्रदेश में हर वर्ग, हर जात और हर धर्म और मजहब के दिलों में अपना स्थान बना चुके हैं, ये नहीं चाहती जो भी सरकार कि इनको मजबूत करके, इनको सुरक्षा दे करके इनको गांव में भेजा जाए या जन जन में भेजा जाए। निश्चित रूप से सुरक्षा हटा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे बंदिश लगाने का काम कर रही है और मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी कुछ साजिश होने वाली है। उसको कमजोर बनाने की अखिलेश आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सपा के, उनकी सुरक्षा सरकार ने हटा दी, जेड प्लस सुरक्षा सरकार ने हटा दी है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? वर्तमान सरकार स्वयं भ्रष्टाचार अत्याचारी सरकार है और अच्छे नेताओं को देखना नहीं चाहते। अखिलेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इतने अच्छे विचारधारा के ऐसे लोगों की जब सुरक्षा हटा दिया यह सरकार, तो किसी पर भरोसा विश्वास नहीं है। ये स्वयं सरकार महाभ्रष्ट है, अत्याचार करा रही। ये जमीनी विवाद आज का नहीं था, 2 साल पहले इनके योगी जी के कार्यकाल का विषय था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं। अभी अभी आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर क्या नाम उनका, दिनेश शर्मा, उन्होंने वक्तव्य में कहा कि आदिवासियों को कोई खेती करने का अधिकार नहीं है, इनको तो मल मूत्र हटाने का अधिकार है, मजदूरी करने का अधिकार। ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जिनका कोई सीमा नहीं। आदिवासी इंसान है ही नहीं इनके नज़र में। इनके नज़र में बाहुबली, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी हो, वही इंसान है। धन्यवाद। डाली गई, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये भाजपा सरकार एकदम मनमानी रूप से चल रही है। पहले इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर छीना, उसके बाद अब सुरक्षा हटा ली है। शायद इनके मन में ये चल रहा होगा कि इनका भी कुछ ना कुछ कराना चाहते हों योगी जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है पूरी तरीके से, कानून व्यवस्था एकदम फेल हो चुकी है। अब जीता जागता आप जिस गांव से आए खुद ही उस गांव में देख लीजिए कि 10 लोगों की हत्या खुलेआम कर दी गई। बस सुरक्षा हटाना उचित नहीं है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उनको सुरक्षा कहीं से हटाने का सवाल ही नहीं होता। किस चीज को लेकर के यहाँ जो है कि आज जो घोरावल थाना के अंतर्गत उंभा गांव में हत्या हुई है, सामूहिक नरसंहार हुआ है, उस पर उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए हमको माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने भेजा था। हम कुंभा गांव के एक एक मृतक परिवार के आश्रितों से मिले हैं और सरकार से मांग किया है कि उनको 20-20 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। और जो मिर्जापुर और सोनभद्र के अंतर्गत
जितने आदिवासी हैं जो सरकारी जमीनों में, उनको नियमित करने का काम हमारी पार्टी मांग कर रही है, उनको नियमित किया जाए। ये जो धारा 144 पूरे जनपद में लागू है, क्या उस तरह उसमें कोई ऐसा लगा कि नहीं? कोई पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ कुंभा गाँव गए और प्रशासन के लोगों ने उसमें सहयोग किया, वहाँ के उनके घर घर एक एक से मिलवाया। मिलवाने के बाद यहाँ पर हमारे पार्टी के नेताओं ने जो धरना दिया था, एक ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग किया है कि 20-20 लाख रुपए मृतक आश्रितों को दिया जाए और घायलों की भरपूर मदद किया जाए तथा हवा हवाई बातें की जाए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अभी जो योगी जी ने जो कहा था कि प्रधान जो आरोपी प्रधान है वो सपा का है, इस विषय पे क्या कहना? अब योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, हर बात पर झूठ बोलेंगे। जांच का विषय है कौन कहाँ का है। भारतीय जनता पार्टी 2.5 वर्ष से हर काम को दूसरे के ऊपर डाल रही है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरी पार्टियों के बदनाम करने की बात करती है। अध्यक्ष जी, न्याय यात्रा को पुलिस ने कई बार रोका है। न्याय यात्रा को पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर रोका था, लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया था, उनका ज्ञापन मेरे द्वारा लिया गया और जो भी उनकी मांगे हैं वो मैं उच्च स्तर पर प्रेषित करूँगा। किस तरह की मांगे हैं सर, क्या मांगे? कई तरह की मांगे, मुआवजा बढ़ाने की मांग है, सरकारी नौकरी देने की मांग है, उनको न्याय दिलाने की मांग है। तो ये सब मांगों को नोट किया गया और ये उच्च स्तर पे इसको प्रेषित किया जाएगा। जहाँ सर एक तरफ धारा 144 लागू है, वहीं पे इस तरह की भीड़ को लेकर के क्या कहना? धारा 144 पूरे जनपद में लागू है। कल इनका आवेदन प्राप्त हुआ था तो उप जिला अधिकारी रॉबर्ट्सगंज द्वारा इसको एक लिमिटेड अनुमति दी गई थी, उसी के क्रम में आज इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। बाकी अगर उसमें कोई लापरवाही की गई होगी, उसमें कोई चूक की गई होगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। समस्त घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग करा लिया गया है। क्या लगता है सर, यहाँ पे डिस्पर्स कर दी गई या आप लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं? नहीं, ये डिस्पर्स कर दी गई है यहाँ पर। ये जो आज सर जो जितने की परमिशन दी गई थी, क्या उतने मात्रा में यहाँ पे थी? ये हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग से इसको चेक कराएंगे, अगर अधिक संख्या में लोग होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इनको सर परमिशन कितना दिया गया था, कितनी संख्या के लिए? अब ये उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल ये परमिशन दी गई थी, लगभग 200 का इनको अनुमति दी गई थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।